हेलो दोस्तों, मैं चंपा फैमिली वर्ल्ड से आप सबको नमस्कार। आज मैं वेजिटेबल सूप बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आज मौसम बहुत ही सुहावना है और बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी आ रही है। मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम सूप ही बनाते हैं। कुकर गैस पे चढ़ा दिया है, इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाला है। 1 लीटर पानी डाल दिया है और ये देखो मैंने जो डाली है, ये गाजर है, टमाटर है और ये छली के दाने हैं, जिसको वो भुट्टे के दाने बोलते हैं, प्याज है और 2 मैंने हरी मिर्च ली है, 4-5 मैंने तुरी लहसुन की ली है और ये मैं सब इसमें डाल दूंगी। दोस्तों, इसमें मैं अब थोड़ा सा 1/2 चम्मच नमक का डालूंगी, अगर कम होगा तो फिर मैं बाद में डालूंगी। और 10 मिनट के लिए मैं पकने के लिए इसको छोड़ दूंगी, उसके बाद फिर मैं जो करूंगी वो मैं आपको बताऊंगी। अब दोस्तों, ये मेरा सूप उबल गया है। अब मैं इस गैस को बंद करती हूँ। अब जब ठंडा होता है फिर मैं इसको इस गैस के ढक्कन को उतारूंगी। अब दोस्तों, ये मेरी कुकर की गैस जो है निकल गई है। अब मैं कुकर को खोल रही हूँ। मैंने कुकर को खोल लिया है और जो मैंने उबलने के लिए गाजरें वगैरह रखी थी उनको मैं इस प्लेट में निकालती हूँ। थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी। ये देखो कितनी बढ़िया मेरी ये उबल गई है। देर के लिए ठंडा होता है, इसको मैं फिर चॉपर में इसको चॉप करूंगी। अब मैं कढ़ाई को रखती हूँ। अब मैं सूप को पहले तड़का लगाती हूँ। दोस्तों, ज़्यादा नहीं है, मैंने सिर्फ 1.5 चम्मच घी का डाला है। दोस्तों, ये थोड़ा थोड़ा मेरे ये चॉप होने के लिए ठंडा हो गया है, मैं इधर चॉपर में डालती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा ही जो देगी मिर्च है वो डाल रही हूँ, वो थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं डालूँगी।
और अब मैं इसमें जो मैंने पानी इस सूप का उबाला है उसको डाल दोस्तों। ये मैंने कॉर्नफ्लोर एक चम्मच लिया है, इसको मैं इस पानी में थोड़ा सा घोलूंगी। ये स्वाद के लिए नहीं होता है, इसको मैंने जो सूप मैंने बनाया है उसको गाढ़ा करने के लिए ही है। ये इसका स्वाद कोई नहीं होता। ये टेस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं होता, सिर्फ गाढ़ा करने के लिए होता है। अब दोस्तों मैं सूप में ये कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, इसको साथ साथ में हिलाते रहना, नहीं तो नीचे ये जम जाता है। ये देखो कितना गाढ़ा बना है, हो गया ना, कितना गाढ़ा हो गया है। Thank you.
ये बहुत ही अच्छा बना है दोस्तों। हमारे पास वो हरा धनिया आजकल तो मिलता नहीं है, और मैंने ये सूखा धनिया ही डाला है, ये मैंने सुखा कर रखा है। ये ना धनिया भी डाल दी, और दोस्तों इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब ये बनकर तैयार हो गया है, अब मैं इसकी गार्निश करती हूँ। अब मैं गैस को बंद करती हूँ, मैंने गैस बंद कर दी। देखो दोस्तों ये कितना बढ़िया सूप बना है गाजर का और कॉर्न का। ये देखो है ना दाने, भी दाने दिखाई दे रहे हैं बीच में। ऐसे बच्चे दोस्तों पैकेटों में लाते हैं, मैं देखती हूँ तो उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ अला रोटी होता है। पता नहीं बच्चों को क्या टेस्ट लगता है, जो घर की चीज होती है वो घर की ही होती है। ये दोस्तों मैंने इसमें अब थोड़ी सी गार्निश के लिए मलाई डाली है। लोग तो काफ़ी कोई बटर डालते हैं, कोई कुछ डालते हैं। दोस्तों आजकल मौसम बहुत ख़राब है, इसलिए सबके गले पकड़े हुए हैं, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी मलाई से ही गार्निश कर दिया है। अब दोस्तों ये देखो, अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद है, आप बच्चों को बनाकर दें, कोई चीज़ बाजार से लानी नहीं पड़ेगी, सिर्फ गाजर और भुट्टा जो हम छली भी बोलते हैं वो लाकर दें, बाकी सामान तो सारा घर पे है, जल्दी जल्दी बन जाता है। और बच्चों को बनाकर सूप दें, आप भी पिएं, एनर्जी भी आएगी। और अगर मेरे ये आज सूप पसंद है तो आप मुझे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।